हुंडर एक गांव है जो कि हुंडर सैंड ड्यून्स और बैक्टेरियन कैमल के लिए प्रसिद्ध है। ये नुब्रा टेंसिल और सायक नदी का निकट ही है। इसका लोकेशन ले से 117 किलोमीटर है और डिक्सिट विलेज से 10 किलोमीटर दूर है। हुंडर का हाइट 10,370 फीट है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि इस हाइट में सैंड ड्यून्स मिलते। आप लोग यहाँ आके बैक्टेरियन कैमल के आनंद ले सकते हैं। यह कैमल हमारे देश की कैमल से बहुत ही डिफरेंट होता है। ये बैक्टेरियन कैमल गर्म देशों का कैमल से बहुत ही अलग होता है। ये कैमल डबल हम्प का होता है जो कि ठंडा रेजिस्ट कर सकते हैं। बैक्टेरियन कैमल ललक में कभी नहीं था तो ये कहां से आया? आप लोगों को पता होगा 19th सेंचुरी में सिल्क रूट होके ट्रेड होता था। बैक्टेरियन कैमल को हार्श क्लाइमेट झेलने की ताकत है, इसीलिए डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन से वो सामान ले जा सकते हैं। ये कैमल सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पाया जाता है। हुंडर का बैक्टेरियन कैमल इसी सेंट्रल एशिया का जिंजियान प्रोविंस जो कि चाइना में है वहाँ से सिल्क रूट होके यहाँ हुंडर में लाया गया था। ये सिल्क रूट ट्रेड बंद होने का बाद जो बैक्टेरियन कैमल यहाँ रह गया वही आपको अभी दिखाई देते हैं। अभी टूरिस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज्ड होते हैं। चलिए अभी डिस्किट मोनेस्टरी या डिस्किट गुम्पा ले चलते हैं। ये मोनेस्टरी ले से 115 किलोमीटर दूर है। ये जो दूर में देख रहे हैं यही मोनेस्टरी है। ये एक बुद्ध स्टेचू है जिसे मैत्रेय बुद्ध कहते हैं। ये स्टेचू 33 मीटर्स का है।
ये स्टैचू का कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2006 में स्टार्ट हुआ था और 25 जुलाई 2010 में दलाई लामा ने कंसेक्रेट किए थे।